हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस हफ्ते सोशल मीडिया पे बस एक ही ट्रेंड छाया रहा, कैरी मिनाटी। चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, हर कोई बस एक ही बात कर रहा था, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। यूट्यूब टिकटॉक, टिकटॉक यूट्यूब, यूट्यूब टिकटॉक। मैंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर इतने वीडियोस देख लिए हैं कि अब कोई बेटी भी बोल रहा है ना तो मुझे कुछ और ही सुनाई दे रहा है। बिचिंग, रोस्टिंग, लड़ाई झगड़े, ये कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही ये पहली बार हुआ है। टेलीविज़न पर हम बिग बॉस के 11 सीजन देख चुके हैं। इसका मतलब है देखने वाले हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। किसी एक वीडियो को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ। किसी एक यूट्यूबर ने रोस्ट वीडियो बनाया टिकटॉकर्स पर, जिसका जवाब किसी नॉट सो फेमस टिकटॉकर ने इंस्टाग्राम पर दिया, और उसके जवाब में किसी तीसरे बंदे ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बहुत ही कम समय में 2 मिलियन लाइक्स का रिकॉर्ड और 24 घंटे के अंदर 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ व्यूज़ का रिकॉर्ड भी उस वीडियो के नाम बना। अब भले YouTube ने उसे डाउन कर दिया हो, लेकिन वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है YouTube पर, बहुत सारे दूसरे YouTube चैनल्स पर। तो आप अभी भी चाहें तो जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। भले ही वीडियो बनाने वाले ने डिस्क्लेमर दिया कि मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया है और किसी के लिए भी मेरे मन में कोई हेट नहीं है, लेकिन अगर आप कैरी के ट्विटर हैंडल पे जाके देखेंगे तो आप खुद पढ़ सकते हैं कि लोग किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी टिकटॉकर्स के कमेंट बॉक्स में जाकर भी लोग क्या लिख रहे हैं। मैं मानती हूँ उसमें गलती दोनों पार्टीज की रही कि अपनी पर्सनल बायस को लेकर अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसका जो लार्जर इम्पैक्ट होता है उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी से 3 चीज़ें ज़रूर हाईलाइट हो गई। नंबर 1, टोस्ट टू रोस्ट, या तो आप भर भर के गाली दो या फिर गाली खाओ। नंबर 2, नो क्लास मीन्स नो कैमरा। अगर तुम लोअर क्लास हो, गरीब जनता हो, पंक्चर लगाते हो, मिस्त्री हो, स्मार्टफोन नहीं है तुम्हारे पास, सस्ता फ़ोन यूज़ करते हो, तो तुम्हें कोई हक ही नहीं है कैमरा के सामने आने का। हाउ डेयर यू मेक अ वीडियो। मेरे पास स्टूडियो है, वीडियो सिर्फ मैं बनाऊंगा, मेरी शक्ल चाहे जैसी भी हो, मैं सही तुम गलत। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी लोगों ने इग्नोर कर दी है, स्टीरियोटाइप इज़ द नॉर्म। यानी अगर जो सेट स्टीरियोटाइप हैं इस सोसाइटी की कि लड़कों को कैसे बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को कैसे शौक रखने चाहिए, अगर आप उनमें फॉल नहीं करते तो फिर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये वर्ड बाय द वे आया कहाँ से? ये जो वर्ड यूज़ किया गया है बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, इस पर LGBT कम्युनिटी ने अपना ऑब्जेक्शन भी जताया है कि आप बेटी वर्ड का इस्तेमाल या मीठा वर्ड का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहस होनी ही नहीं चाहिए। टिकटॉक कोई एजुकेशनल ऐप नहीं है, इट्स एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, तो लोग वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। सोशल मीडिया की इस बास्केट में एप्पल भी है और अनार भी। जिसको एप्पल खाना है वो एप्पल खाएगा, जिसको अनार मांगता है वो अनार खाएगा ना। आप मुझे बताइए, अगर आपका घूमने का प्लान बनता है तो आप सबसे पहले कहाँ सर्च करते हैं? ऑब्वियसली YouTube पर। तो कंपैरिजन किस बात का? TikTok पर खुद मैंने 1.5 साल बिताया है। TikTok पर भी आपको हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा, कूड़ा भी मिलेगा और फनी भी मिलेगा। बट थैंक्स टू YouTube एंड WhatsApp के सिर्फ क्रिंज पार्ट हाईलाइट। इससे पहले कि आप मुझे भी ट्रोल करने लग जाएं, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, मैं सबसे पहले ज़ारा जाकर है ना भर भर के शॉपिंग करूंगा। झूठा। और 5-स्टार होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगा। ले लद्दाख पे रोड ट्रिप। हो नहीं सकता। साला नीचे गार्डन में जाकर टिकटॉक बनाऊंगा। सच कह रहा है दीवाना। नकली शाहरुख, थैला पकड़, जाकर राशन लेकर आ। दिन भर एक्टिंग एक्टिंग, निकल। एक घंटा लग गया तेरे को राशन लाने में। हमारा जिक्र तो हर पल हुआ फसाने में, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई आने में। इधर अंदर घुस। Back on the memories, and the memories bring back your.
bottles of drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. So अभी हो गई है शाम एंड मम्मी भी अपने ऑफिस से आ चुके हैं. So मैं जा रहा हूँ ऊपर जिम. आशे? क्या सोच रहे हैं लोग इस पे सिर्फ डांस और गाना नहीं करते हैं लोग इस पे अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स सैड मोमेंट्स भी शेयर करते हैं जस्ट लाइक इंस्टाग्राम. मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आज के बाद आपके फॉर यू सेक्शन पे कब भी कोई ऐसी वीडियो आए जो आपको लगता है कि उतनी डिजर्विंग नहीं है और बेटर कंटेंट मेरे फॉर यू सेक्शन पे आ सकता है तो आप सिंपली टिकटॉक का दिया गया एक फीचर यूज करिए. आप अपने स्क्रीन पे प्रेस करके रखिए कुछ इस तरह और यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड लिखकर आएगा. इससे इसकी वीडियो को कोई डैमेज नहीं होगा बस आपकी फॉर यू सेक्शन पे ये क्रिंज हट जाएगा. इससे ये होगा कि अच्छी वीडियोस को फॉर यू सेक्शन पे आने का मौका मिलेगा और अगर आपने एक बार भी उस बंदे या बंदी की वीडियो लाइक कर दी तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि टिकटॉक आपको उस अच्छे बंदे की वीडियोस बार बार दिखाएगा. हेल्प अस टू मेक दिस प्लेटफॉर्म अ बेटर प्लेस. ये सिर्फ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा. अगर हम सब साथ में मिलकर आए और इस फीचर का सही यूज करें तो हमारा फॉर यू सेक्शन काफी क्लीन हो सकता है और अच्छा कॉन्टेंट ऊपर उठकर आएगा. क्रिंज तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा वो हर जगह करता है बट वो दब जाएगा इतना ग्लोरीफाई नहीं हो. सिंपल है अगर आपको ये सब नहीं पसंद देन डोंट यूज दिस ऐप. टेक्निकल गुरुजी ने तो अनइंस्टॉल कर दिया ना आप ही कर दीजिए. इतनी नेगेटिविटी फैलाने की क्या जरूरत है. वैसे भी टिकटॉक कोई इकलौती ऐप नहीं है. वीगो हेलो लाइक देर आर सो मेनी शॉर्ट वीडियो एप्स जहाँ पर लोग यही सारे काम कर रहे हैं. यूजलेस और क्रिंज कॉन्टेंट हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. JCB की खुदा याद है ना आपको 4 मिलियन व्यूज. लोगों ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाकर वो वीडियो देखा और उसके व्यूज बढ़े जबकि कंटेंट आप ही जानते हैं. वरना द देशभक्त जैसा चैनल जिसकी ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है उसे 1 मिलियन अचीव करने में इतना लंबा समय नहीं लगता. दैट वाज माय टेक गाइस. आपको क्या लगता है इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आप अपने कॉमेंट्स छोड़ सकते हैं ट्विटर या इंस्टाग्राम पे. टिल देन बाय बाय.